नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय वर्मा। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने बीते मंगलवार की देर रात अपने भतीजे और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को उनके पद से हटाने का ऐलान किया। मायावती ने पूर्ण परिपक्वता हासिल करने तक उन्हें अपने उत्तराधिकारी की जिम्मेदारियों से भी मुक्त कर दिया है। देश भर में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग होने के चंद घंटे बाद ही मायावती के इस ऐलान ने पार्टी कार्यकर्ताओं, राजनीतिक दलों और विश्लेषकों को हैरत में डाल दिया है। मायावती ने मंगलवार को देर रात अपनी ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा कि विदित है कि बीएसपी एक पार्टी के साथ ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान और स्वाभिमान तथा सामाजिक परिवर्तन का भी मूवमेंट है, जिसके लिए माननीय श्री काशीराम जी और मैंने खुद भी अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है और इसे गति देने के लिए अब हमने नई पीढ़ी को भी इसी क्रम में पार्टी में उन्हें जगह दी। उन्होंने लिखा कि इसी क्रम में पार्टी में अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के साथ ही श्री आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु पार्टी में मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है, जबकि इनके पिता श्री आनंद कुमार पार्टी और मूवमेंट में अपनी जो जिम्मेदारी है उसे पहले की तरह ही निभाते रहेंगे। सवाल ये है कि मायावती ने ऐसे वक्त पर आखिर ये कदम क्यों उठाया है जब लोकसभा चुनाव के चार चरण अभी भी बाकी हैं, वो भी पार्टी के स्टार प्रचारक आकाश आनंद के खिलाफ, जिन्होंने पिछले कुछ समय से अपनी रैलियों से बीएसपी को मतदाताओं के बीच काफी चर्चा में ला दिया था। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि पूर्ण परिपक्वता होने तक आकाश आनंद को दोनों अहम जिम्मेदारियों, जिसमें नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी थी, उनसे अलग किया जा रहा है। तो सवाल यह है, क्या वो आकाश आनंद को राजनीतिक तौर पर पूरी तरह परिपक्व नहीं मानती है? अगर वो पूर्ण परिपक्व नहीं है तो मायावती ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी और पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाकर गलती की थी, और क्या अब उन्होंने आकाश आनंद को पद से हटाकर अपनी पिछली यहाँ जो गलती है उसे सुधार लिया? आकाश आनंद अपनी पिछली कुछ चुनावी रैलियों में बेहद ही आक्रामक अंदाज में दिखे थे। इन रैलियों में आक्रामक भाषणों की वजह से उनके खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में दो केस दर्ज किए गए थे। 28 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में सीतापुर की रैली में उन्होंने योगी आदित्यनाथ की सरकार की तालिबान से तुलना करते हुए उसे आतंकवादियों की सरकार तक करार दे दिया था। इसके अलावा उन्होंने लोगों से कहा था कि वो ऐसी सरकार को जूतों से जवाब दे। इस आक्रामक भाषण पर हुए मुकदमे के बाद ही आकाश आनंद ने 1 मई को औरैया और हमीरपुर की अपनी रैलियां रद्द कर दी थी। बहुजन समाज पार्टी की ओर से इस रद्द कार्यक्रम को लेकर कहा गया था कि परिवार के एक सदस्य के बीमार पड़ने की वजह से ये रैलियां रद्द की गई हैं, लेकिन राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि मायावती आकाश आनंद की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों से बिल्कुल भी खुश नहीं है। इस आक्रामक शैली से उन्हें चुनाव में अपनी पार्टी का फायदा होने से ज्यादा नुकसान की आशंका सताने लगी थी। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीति विश्लेषक सुनीता एरन ने मायावती के इस फैसले पर एक न्यूज संस्थान से बातचीत करते हुए काफी कुछ कहा है। उनका कहना रहा है कि मायावती आकाश आनंद को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव है। वो नहीं चाहती कि इस समय वो किसी भी तरह की मुश्किल में फंसे, और इससे भी बड़ी बात यह है कि वो इस समय बीजेपी से अपना संबंध बिगाड़ना नहीं चाहती है। सुनीता एरन कहती है कि मायावती का ये कहना ठीक है कि आकाश आनंद अभी परिपक्व नहीं है। दरअसल आकाश आनंद ने चुनावों के बीच ये कहना शुरू कर दिया था कि उनकी पार्टी चुनाव के बाद किसी से भी गठबंधन कर सकती है। मेरे ख्याल से उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वो कहती है कि ये ठीक है कि बीएसपी के संस्थापक काशीराम भी कहते थे कि अपने लोगों के हितों के लिए वो किसी के भी साथ जा सकते हैं, लेकिन वो एक सैद्धांतिक बात थी। लेकिन आकाश आनंद ने इसे इस तरह कहा जैसे पार्टी की कोई विचारधारा ही नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मायावती और उनकी पार्टी के लिए ये लोकसभा चुनाव करो या मरो का चुनाव है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ी थी। पार्टी ने 10 सीटों पर जीत भी उन चुनावों में हासिल की थी, लेकिन वहां उसे महज 3.67% वोट ही मिल पाए थे।
वहीं 2009 के चुनाव में इसने 21 सीटें जीती थी, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी महज एक ही सीट जीत पाई। चुनाव में इस निराशाजनक प्रदर्शन के बाद बीएसपी ने बीजेपी के खिलाफ अपने सुर नरम कर लिए थे। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक शरद गुप्ता कहते हैं कि मायावती के बीजेपी से गठबंधन के कयास लगाए जाते रहे हैं। पिछले कुछ अरसे से बीएसपी बीजेपी के प्रति कम आक्रामक दिखी है। बीबीसी से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि इस चुनाव प्रचार के दौरान आकाश आनंद जिस तरह से आक्रामक शैली में भाषण दे रहे थे, उससे उन्हें समाजवादी पार्टी को ज्यादा फायदा होता दिख रहा था। शायद यही वजह रही है कि मायावती ने आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाकर हालात पूरी तरीके से अपने नियंत्रण और उन्हें बेहद ही संभालने की कोशिश की है। पिछले दिनों एक न्यूज संस्थान से बातचीत करते हुए पार्टी के कोऑर्डिनेटर रहे आकाश आनंद ने इन आरोपों से इनकार किया था कि बीएसपी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, लेकिन चुनाव के बाद बीजेपी के साथ जाने की संभावना से जुड़े सवाल पर उन्होंने ये भी कहा था कि बीएसपी का मकसद राजनीतिक सत्ता में आना है, इसके लिए पार्टी को जो सही लगेगा वो करेगी। आकाश आनंद की चुनावी रैलियों ने पिछले दिनों खासी हलचल भी पैदा की। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी पर नजर रखने वालों का कहना है कि उनकी रैलियों ने कम से कम उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी समर्थकों में एक नया जोश पैदा किया है। ऐसे में नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाए जाने पर पार्टी के युवा मतदाता निराश महसूस करेंगे। शरद गुप्ता बातचीत के दौरान कहते हैं कि चुनाव के वक्त ऐसे फैसलों से मतदाताओं में यह संदेश जा सकता है कि बीएसपी में अपनी रणनीति को लेकर असमंजस की स्थिति है और वो कुछ पार्टी से दूर जा सकते हैं। दूसरी ओर कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मायावती बेहद ही सगी हुई राजनेता है। ऐसे समय में जब बहुजन समाज पार्टी का जनाधार कम होता दिख रहा है तो वो बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाकर अपनी पार्टी को संकट में नहीं डालना चाहती। सुनीता आरन कहती हैं कि हो सकता है कि मायावती का ये फैसला फौरी हो, मामला ठंडा होने पर वो आकाश आनंद को दोबारा उनके पद पर ला सकती है। आकाश आनंद मायावती के सबसे छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं। वो साल 2017 में लंदन से पढ़ाई करने के आने के बाद ही बीएसपी के कामकाज से जुड़े हुए थे। मई 2017 में सहारनपुर में ठाकुरों और दलितों के बीच संघर्ष के समय वो मायावती के साथ वहां गए थे। आकाश 2019 से पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पर भी काम कर रहे थे, लेकिन मायावती ने उन्हें 2023 में पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना रहा है कि मायावती ने उन्हें ये सोचकर जिम्मेदारी दी कि युवा आकाश पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं और नई पीढ़ी के दलित नेतृत्व को उत्साहित कर सकेंगे। मायावती ने उन्हें ये जिम्मेदारी ऐसे समय में सौंपी जब पार्टी का राजनीतिक ग्राफ नीचे जाता दिख रहा था। दूसरी ओर वो दलित युवा में तेजी से लोकप्रिय हो रहे चंद्रशेखर आजाद के प्रभाव से भी चिंतित लग रही थी। आकाश आनंद ने हाल के अपने कुछ इंटरव्यू में आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पर जमकर हमला किया। इस लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद ने अपनी रैलियों की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश की पश्चिम उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के अंतर्गत आने वाली नगीना सीट से की थी, जहां आजाद के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे SPN9।